उधारी के पैसे मांगने पर गुस्साए आरोपियों ने राम अवतार की लाठी डंडों से की थी दर्दनाक मौत। एसपी ने मामले का किया खुलासा, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरदोई सांडी थाना क्षेत्र के बाग में 4 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों ने पैसे मांगने पर राम अवतार की हत्या की थी। मृतक राम अवतार ने अपनी बुआ के लड़के बड़कोनू से मांगकर आरोपियों को 5,000 रुपये दिए थे, जिसमें आरोपियों ने 5,000 की बजाय 5,500 रुपये देने की बात की थी। आरोपी मनोज व राजीव ने 3,000 रुपये वापस कर दिए थे, जिसमें मृतक के 2,150 रुपये बाकी थे। मृतक राम अवतार ने जब अपने उधार के पैसे मांगे तो खुन्नस में आकर आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात वाले दिन आरोपी रानी बाग गए तो मृतक राम अवतार ने अपने उधारी के पैसे मांगे। इसी बात से नाराज आरोपी राजीव व मनोज ने कहा कि ये बार बार पैसा मांगता है, इसे मार दो। फिर राजीव व मनोज ने डंडे व ईंट से सिर कूचकर राम अवतार की हत्या कर दी और हत्या में प्रयुक्त आला कतल डंडा व ईंट झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सांडी तालाब के पास से दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर सांडी पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा व ईंट बरामद कर ली है। एएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव व सीओ बिलग्राम के कुशल निर्देशन में पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। आज से 4 दिन पहले थाना सरणी में एक बाग में राम अवतार कश्यप नाम व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। इस संबंध में उसके दो जानने वाले राजीव और मनोज नामजद किए गए थे, जो कि फरार थे। कल रात में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ पैसे राम अवतार के बकाया थे इन लोगों के ऊपर। बार बार मांगने पर इन लोगों ने जो है मिलकर उसकी लाठी डंडे से और ईंट से कुचल कर हत्या कर दिया और फिर ये हथियार वहीं पर पास में छिपा करके भाग गए थे।